हेलो गाइस, राम राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, क्योंकि 5:30 बजे उठ गए थे, नहा धो लिया। आज बट सावित्री की पूजा है तो उसके लिए रेडी हो गए हैं। अब चलो नीचे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि नहा धो के सब मतलब खाना वगैरह बनाना पड़ता है ना, खाना नहीं प्रसाद वगैरह बनाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं नीचे जल्दी से किचन में, और फिर सबके लिए चाय बनाते हैं और वहीं पे क्या क्या बनता है देखते हैं किचन में जाके। चलो चलते हैं। आ गई किचन में, अब सबसे पहले सबके लिए चाय बनाते हैं जल्दी से। ये गेहूँ और चना है, इसका प्रसाद बनता है आज, तो इसको कुकर में लगाना पड़ता है। गेहूँ और चना इसमें हो चुके हैं और ये हलवे की तैयारी हो रही है। काजू खा लो फ्रेंड्स, सरौती। किचन से फ्री हो गया, वो प्रसाद सब बन गया है। अब मैं माहौर की कटोरी लेने के लिए आई थी, हमारा सब सामान नीचे पहुंच गया है, अब माहौर लगाएंगे। और आज बट वृक्ष की पूजा होती है, तो वो कटरा मंदिर के यहाँ पे है, तो कटरा मंदिर जा रहे हैं हम लोग, वहीं सब पूजा करेंगे। हाँ, मम्मा और माँ ये माहौर की कटोरी लेके चलते हैं और हम लोग को पापा छोड़ देंगे कार से, तो चलते हैं कटरा मंदिर के सामने लगाए पेड़ में। और पता है मेरा ये मतलब दूसरी बार है पूजा, क्योंकि शादी के जस्ट बिल्कुल मेरी शादी हुई हुई थी और उसके जस्ट एक दो दिन बाद ही ये बट सावित्री की पूजा में मिल गई थी, तो ये हमारी दूसरी पूजा है। तो साल की हमारी दूसरी पूजाएँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सो चलो चलते हैं नीचे जल्दी से। हमारे भोग प्रसाद की थाली हो गई है तैयार, हलवा बन गया, ये घुंघरू बन गई है, और ये सिंगार का सामान और अठवाई, और ये भी कुछ बन मतलब आटे का है, ये भी कुछ। और बस, और हमारे भगवान जी की भी पूजा हो गई है, माँ पूजा करके गई है, कान्हा जी पिंक पिंक, गायत्री माता, गणेश जी, और एक थाली ये रही, इसमें सब पूजा का सामान है, उसमें सब भोग प्रसाद का सामान। यार पिंक पिंक, अम्मा येल्लो, दोनों हो गए कलर। यार माहौल भी लग गया सबका, पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए, 8 बज ही गए थे करते करते। कांटे वाला जो अपने यहाँ लगा तो बड़ा मिट्टी में है ना, वो धूप के कारण कलर चेंज हो गया। जल्दी जल्दी में आइए, फाइनली अपना नंबर आ ही गया पूजा करने का। चावल दरबार में आ गए, चिरंजी की पर कम मंदिर ले जाने, पूरी थोड़ी जय पर
होता है। इस दिन व्रत बड़ा बरगद का पूजन होता है। इस व्रत को क्रिया करने सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना करती है। चाहिए भी कि वचनों को बयान में करके नगद रुपये रखकर सासु जी देखते ही देखते ही अनुराग ने ब्रह्मा की विधान की सावित्री के सामने धर्म के पालन की कीर्ति से गुणित इन्हीं चरित्रों से भारतीय ललना इस व्रत को करके पतिव्रत धर्म के पालन के लिए पूर्ण स्थिति देना पड़ती है। एक भी तो लग नहीं पा रहा हूँ करने पड़ा घाल कोई फल है इसको खाना पड़ता है। कौन सा फल है ये फल है इसमें से निकलता है क्या निकलता बीज हाँ बीज उसका फल है वो बरिया बरिया के फल वृक्ष का लो सत्य एक और है ये खाना पड़ता है ढाई 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 कल खाना नहीं चबाना नहीं है उसको ऐसे खाना ऊपर चढ़ गए थे खा लिया फल हो गई पूजा इतनी भीड़ में से भी अब चलो चलते हैं कटरा मंदिर गाड़ी तो भगवान जी के दर्शन कर कटरा मंदिर हमारा कटरा मंदिर है पीछे इधर का छोटा सा गार्डन है हाँ छोटे छोटे से फल सूर्य हाँ चंद्र ओम सोम सोमाय नमः मंगल ओम अम पूरे मतलब पूजा पापा का वेट कर रहे पापा आ जाएंगे हम लोग को लेने के लिए गाइस गाइस घर आ गए जल्दी से सबको पूरी बना दी और आज नाश्ते में है पूरी हलवा हलवा पूरी और चार हलवा पूरी है चार सबको जल्दी जल्दी से नाश्ता करा के मैं भी आ गई हूँ नाश्ता करती हूँ और आज हमारी बाई ने धोखा दे दिया है आज आंटी नहीं आ रही है झाड़ू पोछा वाली आंटी नहीं आ रही है तो अभी अभी मेहंदी गाइस पहले हमने ये वाली मेहंदी लगाई फिर हमने कहा अच्छी नहीं लग रही छुटा ली फिर हमने ये वाली लगाई तो ये वाली डार्क है इसी ल्यूटी वाली वो खिचड़ी मच गई है मतलब अब चलो टार्क लगाते हैं और नाश्ता करते हैं गाइस खाना वगैरह बन गया है और अब ऊपर आ चुकी हूँ खाने में भाजी बनी है पर मैंने तो खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने हलवा पूड़ी खा ली थी तो मेरा पेट भर गया था तो मैंने आज खाना भी नहीं खाया अभी ऊपर ये हमारा छोटा सा सेटअप लग गया है वीडियो बनाने के लिए इसमें फ़ोन फंसा लूँगी फ़ोन मेरे हाथ में है जो भी और ये लाइट वगैरह और कुछ नहीं बस इतनी चीज़ें चाहिए रहती है वीडियो बनाने के लिए अभी मेहनत बाकी अभी 2 बज रहे हैं 2 बजे ऊपर आ गई हूँ अब जल्दी से अब मेरे पास कितने बजे का 4:30 बजे तक का टाइम है 4:30 बजे तक तैयार होके वापस उतार के फिर नीचे चलते हैं चलना पड़ेगा चाय बनाने के लिए तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से तैयार होती हूँ देखती हूँ क्या पहनूँगी आज रील बनाने के लिए चलो देखते हैं कुछ निकालते हैं अभी कुछ फिक्स नहीं है अभी लाइट वाइट बंद कर दूँ मैंने कहा ब्लॉग बनाना है भाई ब्लॉग ब्लॉग मेरा ग्लो चला गया मेरा ग्लो चला गया मेरे पास एक येल्लो चुन्नी है तो कुछ मिल जाए सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ सोचती हूँ चलो ढूंढती हूँ फिर बताती हूँ क्या करती हूँ मैं ठीक है हेलो गाइस सत्या बदल गई
आप सोच रहे हो है ये क्या पहली है लहंगा वहंगा पहन के तैयार हो गई हूँ, तो नहीं गाइस मैं लहंगा पहन के तैयार नहीं हुई हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी चल रही थी कि मेरे को ऐसी वीडियो बनाना है, ऐसा करना है, तो अब इतने सारे लहंगे वगैरह रोज़ रोज़ कहाँ से लाओ, तो अपन हर बार तो नया लहंगा नहीं ला सकते ना, तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा चलता है, मतलब पता नहीं ऐसा रैंडम दिमाग में आ गया कि मेरे पास ये एक्चुअली मेरा सूट है, ये इसकी चुन्नी है, और नीचे मैं अभी पूरा लुक दिखाती हूँ जो मैंने आज क्रिएट किया है। तो वीडियो बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वीडियो बनाने के लिए मेरा दिमाग चला, मतलब पता नहीं, तैयार होना तो थोड़ा थोड़ा सा आता ही है मेरे को, तो तैयार हो गई हूँ। और ये मैंने अभी तक किसी भी उसमें नहीं पहना था, तो मैंने कहा चलो काम में आ गया, मेरी वीडियो बन जाएगी और कहिए, तो चलो अब बहुत सारी रील्स बनाऊँगी जो कि आप इंस्टाग्राम पर देखना, प्यारी प्यारी सी रील्स। तो अब जल्दी से देखो मेरा सामान, तो ये मेरा तैयार होने का सामान कुछ इस तरह से पड़ा है, जल्दी से इसको रख देते हैं। ये बोलते हैं डेंटिंग पेंटिंग का सामान हमारे, जिससे मैं सुंदर बन गई हूँ। तो ये हमारा सामान जल्दी से रख देते हैं। तो ये अभी आधा आधा दिख रहा है, आप इंस्टाग्राम पर पूरा भी देखना। अभी मैं नथ पहनूंगी, नथ मैंने देखो गाइस मेरे पास एक मराठी टाइप नथ है, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है इस लुक पर। तो ये देखो ये नथ है एक मैंने रख देती हूँ अपनी स्टैंड को। तो एक ये वाली नथ है, तो इसको मैं इसको भी मतलब फिर, या एक और है मेरे पास जो मैं मेरी ज़्यादातर वीडियो में देखते हो गया, या उस वाले को, इन दोनों में से किसी को पहनती हूँ। अब बच गए हैं तीन, तो मेरे पास है अभी एक डेढ़ घंटा, तभी मैं जल्दी से जाती हूँ, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो वो जल्दी से अब इंस्टाग्राम पर सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ देख लेना, तो जल्दी से बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। कितनी कार सब कुछ रख दिया वापस। अब जल्दी से ये मुंह धो के फिर चलते हैं नीचे चाय बनाने के लिए। बहुत अच्छी वीडियो आई है आज की, बहुत 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 अच्छी, मतलब हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छी लगी, आपको पता नहीं कैसे लगी लेकिन हमें बहुत बहुत अच्छी लगी। जल्दी से मुंह धो के आती हूँ, चलो चलते हैं नीचे चाय बनाने के लिए। फाइनली गाइस अपनी किचन में वापस आ गई हूँ, अभी 4:45 हो गए, आज लेट हो गई, वैसे गर्मी में थोड़ा लेट चलता है, इसीलिए 4:45 में जल्दी चाय बनाते हैं, सबको देखना। चलते हैं नीचे जल्दी से खाना वाना बनाते हैं, जल्दी चल के देखते हैं क्या बनाएंगे। वैसे माँ ने आलू लगा दिए, माँ का फोन आ गया है, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, माँ ने आलू लगा दिए, उनका फोन आया था कि आलू लगा दिए, तो मैं जाके सब्जी बना दूँगी। अभी शाम हो गई है, चाय वाय सबकी हो गई है, चलो चलते हैं नीचे। हेलो गाइस, तो अब मेरे को आप देख के समझ ही गए होगी कि मैं ब्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। हाँ, मैं ब्लॉग एंड करने के लिए ही आई थी, तो मैं अपना ब्लॉग एडिटिंग हो गया था, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, फिर मेरे को याद आ गया, मैं अपना गैलरी चेक कर रही थी मतलब एडिटिंग के बाद, तो मेरे को याद आ गया मैंने एक चीज़ तो डाली ही नहीं। मेरे अभी कुछ दिन पहले चाचा चाची आए थे, मतलब चाचा ससुर चाची सास, तो वो लोग आए थे, तो मैंने उनका उनके साथ थोड़े से जब वो लोग जा रहे थे तब मैंने ब्लॉग बनाया था छोटा सा, तो वो मैंने डाला ही नहीं, तो मैंने कहा मतलब मैंने एडिट ही नहीं किया, अभी ये वीडियो वाली शादी वाली वीडियो डाल रही ना, तो इसके कारण मैंने डाला नहीं, तो मैंने कहा चलो ना, मैं ब्लॉग एंड कर रही थी तो मैंने कहा अभी डाल देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करता है तो उसने देखा होगा मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं भाग्य नहीं एक वीडियो डाली थी मैंने उसमें था, बट मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ दिन पहले आए थे, अब वो लोग चले गए, बट मेरे पास वीडियो है, तो मतलब पापा है ना जो, वो दो भाई लोग हैं, तो वो चाचा जी आए थे, तो उनकी वीडियो दिखाती हूँ मैं। ब्लॉग देखो और उसके बाद ब्लॉग को एंड करना है, मैं वापस आऊँगी।
बड़ा ब्लॉग नहीं करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड अगली वीडियो का इंतजार करना ना भूलें। ओके बाय टाटा। इसके बाद शादी वाला ब्लॉग भी जल्दी चलने वाला है, मेहंदी वाला पार्ट आने वाला है, तो वेट करो और इस ब्लॉग को लाइक करो कमेंट करो। टाटा।